हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपका गॉस लॉ। और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, उस यूनिट का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। इसमें से आपको 100% किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे स्टेटमेंट का पूछ ले, चाहे न्यूमेरिकल पूछ ले, चाहे आपको इससे रिलेटेड कोई डेरिवेशन पूछ ले। तो आज अपन क्या कर रहे हैं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसकी डेरिवेशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। तो अपना सबसे फर्स्ट आता है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है कि ये आपको क्या बताता है, टोटल फ्लक्स के बारे में बताता है। और वो टोटल फ्लक्स किससे बताता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर आपका कोई भी फ्लक्स लिंक्ड होता है या उसमें से अपन को कोई फ्लक्स ऑब्टेंड होता है, तो उस फ्लक्स की वैल्यू अपन किस तरीके से ऑब्टेंड करते हैं उसके बारे में बताता है। तो स्टेटमेंट है, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस। अब ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस को नाम दिया जाता है आपका गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये सरफेस आपकी कोई रियल फिजिकल सरफेस नहीं होती है। कैसी सरफेस होती है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मीनिंग इसको केवल इमेजिन किया जाता है, बाकी रियलिटी में आपके पास ये कोई ऐसी फिजिकल सरफेस नहीं होती। तब आपका स्टेटमेंट कहता है कि आपका फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस, जिसको अपन गॉसियन सरफेस कह देते हैं, इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉन टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तब इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ कि अगर आप किसी गॉसियन सरफेस, जिसको आप हाइपोथेटिकली इमेजिन करोगे, उससे टोटल लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वो उस सरफेस में टोटल इंक्लोज्ड चार्ज का कितना टाइम्स होता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। या इसको आप दूसरी स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन करो तो आप ये कह सकते हो कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो के इक्वल होती है। दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से सुनना बच्चों। पहला स्टेटमेंट आपके पास ये है कि आपके पास टोटल फ्लक्स लिंक्ड जो होता है किससे, किसी भी क्लोज्ड सरफेस, जिसको आप गॉसियन सरफेस का नाम दे सकते हो, वो आपका टोटल इंक्लोज्ड चार्ज का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। या इसको सेकंड फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि फ्लक्स की वैल्यू आपकी टोटल इंक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के रेशियो के इक्वल होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, गॉस लॉ का। यानी कि अगर आपको गॉस लॉ से किसी भी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आपका आता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और ये अपन पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। किसका इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस का। तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से है और ये आपके पास गॉस लॉ की डेफिनेशन से है। तो गॉस लॉ में अगर आपको कभी भी अप्लाई करना हो गॉस लॉ को, तो फाई इक्वल टू मिलेगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका चार्ज है या जो आपकी क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर रहे हो वो अगर फ्री स्पेस में है, तो आप यहां परमिटिविटी किसकी रखोगे, फ्री स्पेस की। अगर आपको फ्री स्पेस की जगह अगर कोई मीडियम दिया जाए तो उस टाइम पे आप एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे, एप्सिलॉन रखोगे, जिसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह देते हैं और जिसको अपन ये पढ़ गया है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होती है। तो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट है गॉस लॉ का कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू होती है वो टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट टाइम से कैलकुलेट की जाती है। और आप यहां से कह सकते हो कि टोटल चार्ज की कितना टाइम्स होती है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है आपके पास।
और अगर आपका फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम में आपकी क्लोज्ड सरफेस है, तब आपके पास टोटल इनक्लोज्ड चार्ज का कितना टाइम्स हो जाता है, 1/ε टाइम्स हो जाता है, जहां आपका एप्सिलॉन है वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाती है, जिसको एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर का नाम भी दे देते हैं आपके पास। तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि डेरिवेशन कर रहे हैं किसकी, गॉस लॉ की, किसकी हेल्प से, कूलम्स लॉ की हेल्प से अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन करना चाहोगे तो इसके लिए अपन ने एक कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है जो इनक्लोज्ड है किसी भी आर्बिट्रली शेप्ड गॉसियन सरफेस है उसमें आपके पास। तो मीनिंग हो गया कि आपके पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में इस पॉइंट ओ पर आपका कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब अपन को कैलकुलेट करना है कि इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पास होगा। तो ये फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन ने इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है। ये आपका कोई एरिया एलिमेंट है और इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है वो अपन ने मान लिया डी एस है आपके पास। अब आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, दूसरा अपन को क्या पता होना चाहिए, उसका एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। तो मैंने ये तो सरफेस कंसीडर की है, इस सरफेस पे ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बना दिया आपका डी एस, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये आपके पास ई वेक्टर हो गया और ये आपका इस चार्ज से ज्वाइन कर दिया। अब आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, डी और थीटा का एंगल कंसीडर कर लिया। अब आप ये कह सकते हो कि इस प्लस क्यू चार्ज से अगर ये डिस्टेंस अपन आर लें तो इस आर डिस्टेंस पे आपका जो पॉइंट कंसीडर करेंगे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये आपकी आर के पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपके पास। तो ये आपने क्या कंसीडर, क्या कैलकुलेट कर लिया कि इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस होता है वो अपन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या किया बच्चों, आपने कोई सरफेस कंसीडर की, इस सरफेस को नाम दे देते हैं अपन गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस में अपन ने एक चार्ज क्यू कंसीडर किया जो पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, और इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे आपने ये कोई एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब भी आपके पास कोई सरफेस किसी हो कर्व फॉर्म में वाली नॉन प्लानर हो तो उससे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये अपन ने वही एरिया एलिमेंट कंसीडर किया। अब इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो डीएस आ गया। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस एरिया एलिमेंट पे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस होगा वो ये हो गया, जिसकी डायरेक्शन हो गई आर के। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आप ये कह सकते हो कि इस एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो लिख सकते हैं डी फाई, और ये हो गया ई डॉट डीएस, इसी को लिखा जा सकता है ई डीएस कॉस थीटा। अब यहां पे ई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये आपका 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है, तो अपन ने ये ई का मैग्नीट्यूड यहां रख दिया। अब ये तो क्या आपके पास जो एरिया एलिमेंट कंसीडर किया था उससे लिंक्ड फ्लक्स है। अगर अपन को टोटल सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आपको पढ़ाया गया किसका यूज लेते हैं, इंटीग्रेशन का। तो टोटल फ्लक्स फाइव इक्वल हो गया इंटीग्रेशन, इस सरफेस को एस नाम दे दिया तो इसके ओवर इंटीग्रेशन डी फाई।
अब डी फाई की वैल्यू ऊपर से रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा ऐसा कैसा आ गया। अब यहां अगर आप देखोगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है बाहर आ गए और ये अपन ने लिख दिया डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास क्या होता है कि एक तो 2D में एंगल बनता है और एक 3D में एंगल बनता है, दो लाइनों के बीच का जो एंगल होता है उसको तो अपन प्लानर एंगल नाम देते हैं। और अगर कोई आपकी प्लेन है वो किसी पॉइंट पे अगर एंगल फॉर्म करता है तो उस एंगल को नाम दिया जाता है आपका सॉलिड एंगल। ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल दो टाइप के हो सकते हैं, प्लानर एंगल और सॉलिड एंगल। प्लानर एंगल दो लाइनों के बीच में बनता है और सॉलिड एंगल है वो आपका किसी भी पॉइंट पर अगर कोई प्लेन कंसीडर किया जाए वो एंगल जो फॉर्म करता है उस एंगल को कह देते हैं सॉलिड एंगल। तब आपके पास ये आपका एक कोई प्लेन है जिसको एरिया एलिमेंट माना है, इस एरिया एलिमेंट के कारण इस पॉइंट ओ पे जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को नाम दिया जाता है आपका सॉलिड एंगल जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी ओमेगा से। तो ये आपका डी ओमेगा है वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। और इस सॉलिड एंगल की मीनिंग क्या होता है कि आपका 3D में जो एंगल बनता है या किसी भी एरिया एलिमेंट के थ्रू किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म किया जाएगा उस एंगल को नाम दे दिया जाता है आपके पास सॉलिड एंगल। और ये जो सॉलिड एंगल डी ओमेगा होता है ये किसके इक्वल होता है, डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तब आपके पास यहां से ये जो डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया इसको अपन डी ओमेगा लिख सकते हैं सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब अगर आपको सॉलिड एंगल की टोटल वैल्यू निकालनी है तो सॉलिड एंगल की टोटल वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई आपके पास, तो इसकी टोटल वैल्यू आप 4 पाई लिख सकते हो। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया तो 5 = Q/ε0 आया। और यही अपन को कैलकुलेट करना था कि आपके पास किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो आपका लिंक्ड टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, जो अपन ने यहां से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। जो सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन में आपने सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जिसको एक गॉसियन सरफेस में इंक्लोज्ड किया। अब इस गॉसियन सरफेस पे आपने पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया जिससे लिंक्ड फ्लक्स आपने ये कैलकुलेट किया E.ds या EdS cos थीटा, जिसमें E आपका एरिया एलिमेंट पे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपने इंटीग्रेशन किया और इसमें आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये जो आपका एरिया एलिमेंट इस पे जो एंगल फॉर्म करेगा पॉइंट ओ पे उसको नाम दिया जाता है सॉलिड एंगल जिसको लिखा जाता है डी ओमेगा से, और ये होता है आपका ds cos theta अपॉन में r स्क्वायर। तो इस ds cos theta अपॉन r स्क्वायर की जगह अपन d ओमेगा लिख सकते हैं और इस d ओमेगा की वैल्यू पूरे सरफेस पे कैसे कह सकते हो कि d ओमेगा की टोटल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है 4 पाई, और अपन को इस सरफेस पे टोटल एंगल निकालना तो 4 पाई आएगा। ये 4 पाई यहां से रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया और 5 की वैल्यू ये आ गई, और ये आपके पास क्या होता है, गॉस लॉ होता है। तो आपने क्या किया, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन से किसको डेराइव कर दिया, गॉस लॉ को डेराइव कर दिया। सिंपल है बच्चों, सबसे पहले आया गॉस लॉ का स्टेटमेंट, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट फॉर्मूले की फॉर्म में लिखोगे φ = Q/ε0, जहां Q होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो इनक्लोज्ड टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो, और ε0 होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर वैक्यूम की जगह या फ्री स्पेस की जगह आपका कोई मीडियम हो तो इस ε0 की जगह आप ε यूज में ले सकते हो। तो आई होप बच्चों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है और गॉस लॉ को कूलम्स लॉ से अपन किस तरीके से डेराइव करेंगे। क्लियर है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो बच्चों ये आपका गॉसलॉ का पॉइंट है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया, दूसरा डेरिवेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या करेंगे कि आपका जो गॉसलॉ है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, गॉसलॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो किसी बच्चे को अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकता है। बच्चों वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को लाइक भी कीजिए और लाइक के साथ साथ इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।